रिसेंटली आपने उसको लेते हुए फिल्म को आगे एक स्टोरी दी है एंड विच इज वेरी यू नो डिफरेंट एंड यूनिक फॉर इट. तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे शादाब जी कि फिल्म के बारे में थोड़ी सी ग्लिम्स दीजिए, कुछ बताइए. वैसे ट्रेलर तो देख के हम समझ चुके हैं कि काफी थ्रिलिंग होने वाली है. जब मैंने भी ट्रेलर देखा तो बहुत थ्रिल्ड रह गई मैं. ये तो मुझे लगा कि लॉकडाउन पे बेस्ड ये कुछ मूवी होगी. जब स्टार्टिंग मैंने ट्रेलर देखा देन इट वॉज कि ये कुछ अलग ही थ्रिल आ गया बीच में स्टोरी. सो प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ऑडियंस को कि क्या कैसी है स्टोरी एग्जैक्टली एंड हाउ यू गॉट द स्टोरी. एक्चुअली When we were in pandemic, तो अभी सबको यही फील होता है ना कि जैसे अपने कर्मों का फल है और ये सब, तो वही मुझे फील हो रहा था. और उस दौरान I was writing something, we were in talks में और Monish about the concepts and everything. तो what happened के उसके बाद में जब ये लिखना शुरू किया तो it was a thriller. But then I wanted ये lockdown का सारा scenario भी उसमें हो जाए. जैसे we have a Zoom call also in the film. There is a Zoom call. There are empty streets and everything to give the feel of this thing. And then what I did was pura ka pura ek lockdown ko ek basically ek locking room, locking house type mein bana diya ki bhaiya ek ghar hai, usme itne sare log, itne hi log aa payenge aur fir wo sab hoga aur wo kaise hoga, kyun hoga, wo sab film mein hai. अभी तो इतना ही कह सकता हूँ बिकॉज ज्यादा मैं रिवील करूंगा तो यू नो मोनिश का कैरेक्टर लोगों को ज्यादा देखना जरूरी है. मोनिश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने एक्टर, सबसे पहले तो आप एक्टर हैं और इस फिल्म में आप प्रोड्यूसर के रूप में भी आ रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट रहा, चैलेंजिंग रहा है दोनों ही चीजों को मैनेज करना आपके लिए प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर के भी कंधों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और एक्टर को तो खुद को स्क्रीन पे दिखाना है, तो दोनों ही चीजों को किस तरह से आपने मैनेज किया है और कितने चैलेंजेस फेस किए हैं इसमें? ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं जब आप कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने चाहते हैं एंड ये तो हमारा इनिशियल ही है, तो कुछ चैलेंजेस हमने फेस करे लेकिन हमने सब कुछ प्लान कर रखा था. लाइक हमारा प्री प्रोडक्शन जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था. लाइक हम जब हमने शादाब भाई ने जब मुझे स्टोरी नरेट की थी तो जो आइडिया मुझे एक्साइट किया था वो माइथो ड्रामा थ्रिलर, जो मॉडर्न थ्रिलर वो एक माइथो के उसमें जब मिल गया था तो वो मुझे एक्साइट किया, तभी हमने इसका प्री स्टार्ट कर दिया था कि हम ये कर सकते हैं एंड तभी हमारा वहाँ से प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था. देन उसमें डिफिकल्टीज काफी आई थी क्योंकि उस टाइम अनलॉक वन में हमारा प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, तो बेसिकली हम बहुत ज्यादा बाहर जा नहीं सकते थे उस टाइम, तो सारी चीजें हमें ऑनलाइन और कम सोर्सेज के ज्यादा पड़ी. लाइक हमने ऑडिशन सारे वर्चुअल करे जो कि हमने कास्टिंग अपनी लॉक की एंड ऑल दी अदर पीपल जिनको हमने बुलाया उनको भी काफी परेशानी हुई आने में, बट वो होता है ना कि जब आप कुछ ठान लेते हैं लाइक आपको कुछ करना है तो आप उसको करके ही रहते हैं. शादाब भाई ने मेरा काफी साथ दिया था क्योंकि वी नो ईच अदर लाइक 2015 से हम लोग साथ में, लाइक वी आर फ्रेंड्स, ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो तब से ही हमारा था कि हम कुछ साथ में करने वाले हैं, बट इट हैपेंड नाउ. एंड हमारे साथ जो थर्ड प्रोड्यूसर है साजिब आजाद, ही इज अ ब्रदर टू मी ऑल्सो, तो उनको मैंने जब स्टोरी नरेट की तो उनको भी पसंद आई एंड उनके साथ मैं एक प्रोजेक्ट हमारा और ऑलरेडी लाइंड अप था, मी शादाब भाई एंड साजिब भाई, तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. उसकी जगह हमने कॉन्सिक्वेंस कर्मा से अपना प्रोडक्शन हाउस को बिगेन किया है. yeah. शादाब जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि अनलॉक वन में मोनिश जी ने बताया कि आपका सारा प्री प्रोडक्शन सब स्टार्ट हुआ, तो एज एन डायरेक्टर कितना यू नो कितने चैलेंजेस आपने फेस किए फिल्म को बनाने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी हम पेंडेमिक में थे ही और हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं था. सो उस दौरान फिर शूट करना और शूट में अगर किसी को कुछ हो जाए, किसी को कोविड हो जाए, तो वो कितना रिस्क था उस वक्त शूट करने में, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए. रिस्क तो ऑफ कोर्स काफी ज्यादा था, मगर जब तक अनलॉक वन शुरू हुआ था तब तक हम लोगों को ऑलरेडी पता था कि किस तरीके से टेस्टिंग एंड ऑल होती है एवरीथिंग और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो वही हमने किया. हम लोगों का इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हम लोगों का ऑलमोस्ट 25-30 लीटर सैनिटाइजर इस्तेमाल हुआ है हमारे शूट में एंड वी हैड अ वेरी स्मॉल क्रू.
जो कि हम लोगों को जितने लोगों की जरूरत थी उससे हम ऑलमोस्ट हाफ पीपल वी वर यूजिंग फॉर द शूट फॉर द सेक ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल. एंड हम लोगों ने आई थिंक शूटिंग से सिर्फ 5 दिन पहले ही हम सबको मिले थे. उससे पहले सबसे सिर्फ वर्चुअल चैटिंग और ये सब ही होता था. 5 दिन पहले से हमने अपना रिहर्सल्स एंड ऑल शुरू कर दिए थे. बाकी सारा का सारा प्री प्रोडक्शन मोनिश के घर से और मेरे घर से हुआ है. वी डिडंट इवन टेक द यू नो वी डिडंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ टेकिंग एन ऑफिस डेली गोइंग देयर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद 50 डिफरेंट पीपल अलोंग द वे. सो वी डिडंट वांट दैट. तो ऐसा होता था कि या तो मोनिश मेरे घर आ जाते थे या फिर मैं मोनिश के घर आ जाता था. एडी सब घर पर आकर वहीं पर ही पूरा करते थे. वो एक अपना लिविंग रूम हम दोनों ने ही अपना ऑफिस बना लिया था. घर वालों को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी बट वी हैड टू डू दैट टू यू नो सेव दिस थिंग. एंड देन ड्यूरिंग द शूटिंग वी यूज्ड टू टेक टेम्परेचर 3 times a day लॉग देम सो दैट हमें पता रहे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है किसी को तो वो हमें पहले से पता चल जाए एंड वी कैन जस्ट लाइक टेक द प्रिकॉशन. एंड देन व्हाट हैपेंड नथिंग एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द शूट थैंक गॉड. ऊपर वाले ने इतना साथ दिया हमारा कि हम लोगों ने डरते डरते पूरा शूट किया है. यू नो हाउ वाज दैट टाइम. बट कोई भी दिक्कत नहीं आई गॉड वाज विद अस. और बहुत अच्छा शूट हुआ है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि डायरेक्शन काफी अच्छा किया गया है. मैंने कुछ ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा डायरेक्शन, आपने काफी एफर्ट्स लिए हैं. मोनिश जी, एक बात और जानना चाहूंगी आपसे कि आप थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं तो कितना जरूरी होता है एक एक्टर के लिए थिएटर करना? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जो डायरेक्टली कैमरे पे आते हैं, कैमरे को फेस करते हैं और बहुत मुश्किलें उनको यू नो झेलनी पड़ती है. तो कितना जरूरी है किसी एक एक्टर के लिए थिएटर करना या थिएटर बैकग्राउंड से आना? कितनी बेनिफिट्स मिलती है अगर आप थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं? ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं. लाइक अगर आप थिएटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो थिएटर की जर्नी में ही आपको सब कुछ सिखाया जाता है. लाइक काफ़ी वर्कशॉप्स होती हैं वहाँ बिफोर आप स्टेज पे जाते हैं. आपको थिएटर में अगर आप बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ हैं तो आपको 2 साल तक बैक स्टेज रखते हैं कि टू लर्न कि चीज़ें कैसे हो रही हैं वहाँ. आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं. आपको अपने वॉइस पे उन लोगों को इतना लाइक डिटेल में बताया जाता होगा. तो प्ले करने से पहले ही आप कितना स्क्रिप्ट रीडिंग एंड डायलॉग हाउ टू लाइक परफॉर्म वो सब सिखाया जाता है. एंड थिएटर का बेसिकली देखिए मीडियम अलग अलग है लेकिन प्रोसेस ऑफ एक्टिंग वो सेम है. अगर आप लाइक थिएटर करते हैं तो थिएटर में बस यही होता है कि आपको सब कुछ लाउड रखना पड़ता है. लाइक योर एक्सप्रेशन, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ ज्यादा दिखाना पड़ता है एज कम्पेयर अगर आप कैमरा कर रहे हैं तो. आपको आवाज लाउड रखनी पड़ती है ताकि आप सब तक रीच कर पाए. कैमरे में क्या होता है अगर आप बहुत छोटा सा कोई एक रिएक्शन देते हैं तो वो बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है. तो ये उन लोगों को शायद नहीं पता होता जो डायरेक्टली कैमरे में आते हैं. कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों को नहीं आना चाहिए बट कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप थिएटर करके आ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं एंड आप थोड़ा और रिलैक्स फील कर पाएंगे क्योंकि आप कंफर्टेबल फील कर पाएंगे. इसमें मैं कुछ ऐड करूंगा कि क्या है जब कोई थिएटर बैकग्राउंड से आता है तो एक्टिंग लेवल पर उसको ना बहुत ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ता है. यू डोंट हैव लाइक मच टू टेल देम कि आपको इस तरह करना है बिकॉज ग्रास्पिंग पावर ऑफ द थिएटर एक्टर इज मोर जनरली मोर. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ जनरल स्टेटमेंट बट इट इज लाइक दैट. एंड जब कोई बिना थिएटर बैकग्राउंड के आता है तो यू डोंट नो व्हाट दे कैन डू. बट अ थिएटर आर्टिस्ट लाइक आई हैव सीन वन और टू ऑफ हिज प्लेस सो आई ऑलरेडी न्यू हाउ ही एक्ट. तो वो भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए. अच्छा, एक बेनिफिट हमारे लिए या आप बोलिए वन इज प्लीज कंटिन्यू. एक बेनिफिट हमारे लिए ये हो गया था कि जो हमारे ऑलमोस्ट लाइक कास्ट है वो ऑल आर फ्रॉम लाइक स्ट्रॉन्ग थिएटर बैकग्राउंड जिन्होंने लाइक 8-10 साल से वो थिएटर बैकग्राउंड कर रहे हैं. तो आपको अगर थिएटर एक्टर ज्यादातर वन टेक आर्टिस्ट होते हैं तो आपको वहाँ एक एज डायरेक्टर शदा भाई को मुझे नहीं लगता है वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी. ऑब्वियसली नहीं आई है. मेरा वही सवाल होने वाला था अगला कि कितना सपोर्ट मिला है आपको आपकी कास्ट से. और यू नो क्योंकि ऐसे टाइम पे आपने इतने कम क्रू मेंबर्स
लोगों को 20-25 लोगों को लेके शूट कंप्लीट किए, सारी पूरी मूवी कंप्लीट की, तो कितना सपोर्ट मिलना जरूरी है अपने क्रू से और अपने कास्ट से कि आपने यू नो इजीली शूट को कंप्लीट किया इतने सक्सेसफुली? वो एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि आप एक अच्छा कास्ट और अच्छा क्रू मेंबर सेलेक्ट करें, क्योंकि क्या है अगर एक भी इट्स लाइक कमजोर कड़ी जो भी होगी ना उसकी वजह से पूरी चेन ही टूटने वाली है। तो हमारे साथ ये पॉजिटिव था कि हमारे पास कोई भी कमजोर कड़ी नहीं थी, मतलब ऊपर वाले ने इतना साथ दिया कि शूट पर हमारे पास कोई भी कमजोर कड़ी नहीं थी। हमने जितना प्लान किया एग्जैक्टली वैसे ही गया, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हमेशा होता ही है, वो इतना ज्यादा कुछ वो नहीं था। और एक्टर्स वर सो परफेक्ट इन देयर शॉट्स एंड एवरीथिंग, इन देयर अपीयरेंस, इन देयर जेस्चर, दे वर सो मच परफेक्ट आफ्टर द ऑफ कोर्स 5 डेज ऑफ वर्कशॉप, दे न्यू एवरीथिंग अप्स एंड डाउन्स ऑफ देयर कैरेक्टर। सो आई डिडंट हैव टू डू मच, एक या दो टेक ही लगते थे मेरा शॉट हो जाता, भले कितना भी लंबा हो। समटाइम्स 8 or 9 मिनट्स ऑफ शॉट्स वर डन इन सिंगल डे, लाइक फर्स्ट टेक में ही शॉट पूरा। सो दैट वॉज गुड, एंड मेरे क्रू मेंबर्स ने भी, सब लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, सब लोग बहुत ज्यादा जी जान लगा कर काम कर रहे थे, बिकॉज एवरीबडी वॉन्टेड इट टू फिनिश फास्ट ऑल्सो, सो दैट एक एक्स्ट्रा डेज और एक एक्स्ट्रा डे की ज्यादा प्रिकॉशन, सो नोबडी वॉन्टेड टू डू दैट बिकॉज वी वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द प्रिकॉशन। मोनिश जी, क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट रहा है आपको लगता है फिल्म करते वक्त? बिकॉज पेंडेमिक चल रहा था, तो शूटिंग के लोकेशंस वगैरह कैसे आपने चूज किए और कैसे शूट किया रहा है? देखिए इस प्रोजेक्ट में हमारे जो हमारे नियर एंड डियर जिसको कहते हैं, लाइक हमारे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने बहुत खासा सपोर्ट किया है। जिन लोगों की उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने भी हमें इतना सपोर्ट किया है, लाइक ये पोस्ट प्रोडक्शन तक चला है। उन लोगों के सपोर्ट की वजह से हमने सब कुछ लाइक बहुत इजीली हैंडल कर लिया है, क्योंकि देखिए कुछ भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो डिफिकल्टीज तो आते ही हैं, बट ऊपर वाले के लाइक शुक्र से मैं कह सकता हूँ कि उतनी उस लेवल की डिफिकल्टी हमें फेस नहीं हुई। लाइक लोकेशंस का भी ऐसा था कि ये हमने शूट किया है यूपी में, नोएडा में हमने शूट किया है अपना फिल्म, तो लोकेशन भी हमें ज़्यादा रैकी नहीं करना पड़ा। लाइक आपको जनरली आप ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, सारे व्यूअर्स
से यही बोलना चाहूंगा कि लाइक प्यार से हमने फिल्म बनाई है, तो प्लीज इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। देखिए एक न्यू टैलेंट के लिए लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग लाइक इनिशियल, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन एंड सबसे बड़ा जिसको बूस्ट कहते हैं, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी आपके व्यूअर से ही। अगर वो स्ट्रीम में आप अप्रिसिएशन दे दे तो आप चाहते हैं, तो वो एक अलग ही फील हो जाता है, लाइक वो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दिखने वाला है। अगर आप लोगों का यही है कि जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए एंड इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखें। ऐसा ना हो कि आप फिल्म आई, अच्छी फिल्म आई और वो ऐसे चली जाए, क्योंकि हमने बहुत दिल से एंड बहुत प्यार से बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है एंड इंशाल्लाह ये सब देखेंगे, ये हमें उम्मीद है, मुझे भी एंड शदाब भाई को। सो या प्लीज गाइस वॉच इट। लास्टली आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आगे और कैसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और किन चीजों पे काम कर रहे हैं। हमारे मेरा तो जो मेन जॉनर है वो ड्रामा थ्रिलर ही है, ड्रामा थ्रिलर साइंस फिक्शन। तो हम अभी प्लान कर रहे हैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जो कि हमारा प्लान है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाता है गॉड विलिंग, तो हमारा प्लान है कि हम वो यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट में शूट करेंगे। अभी फाइनल प्रोडक्शन हाउसेस जो बाहर भी हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करने की सोच रहे हैं, तो जल्दी इसको जाते जाते